की माफी नहीं मांगी तो नहीं होगी शूटिंग। बीएमसी पर घूस मांगने के आरोप वाले ट्वीट के बाद शिवसेना लाल, कहा कपिल शर्मा के खिलाफ गुंडा एक्ट में हो कार्रवाई। कपिल शर्मा विवाद में बीजेपी विधायक राम कदम ने की पुलिस से शिकायत, कॉमेडियन पर भ्रष्टाचार छिपाने के आरोप में कार्रवाई की मांग। कपिल शर्मा मामले को लेकर बीजेपी सांसद किरीट सुमैया ने शिवसेना को घेरा, कहा भ्रष्टाचार का अड्डा है बीएमसी। सियासी हमलों के बाद कपिल ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट किया भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पार्टी या नेता से नहीं है कोई मतलब। कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने शिवसेना और बीजेपी को घेरा, बीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल। कपिल शर्मा घूसकांड में कॉमेडियन पर अवैध निर्माण का आरोप, बीएमसी ने निर्माणाधीन दफ्तर पर चिपकाया नोटिस। बीएमसी का दावा 16 जुलाई को कपिल शर्मा को दी गई थी काम बंद करने की चेतावनी, जवाब नहीं देने पर गिराया गया था दफ्तर का हिस्सा। कपिल शर्मा ने पीएम को ट्वीट करके अच्छे दिन पर उठाए थे सवाल, लिखा 15 करोड़ इनकम टैक्स देने के बावजूद बीएमसी अधिकारी को देनी होगी 5 लाख की। ट्वीट के बाद बीएमसी ने कपिल शर्मा से पूछे घूस मांगने वालों के नाम, कहा सख्ती से होगी कार्रवाई। राहुल गांधी की खाट पंचायत में फिर बवाल, अंबेडकर नगर में खटिया की लूट की कोशिश, मुस्तैद पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोका। अंबेडकर नगर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में एक लड़की ने किया हंगामा, बहन के साथ गैंगरेप की शिकायत को लेकर करना चाहती थी मुलाकात। अंबेडकर नगर से पहले अयोध्या में था राहुल का कार्यक्रम, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हनुमानगढ़ी मंदिर में किया दर्शन। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास से बंद कमरे में राहुल ने करीब 10 मिनट तक की बातचीत, नहीं गए राम जन्मभूमि। फैजाबाद में रोड शो के दौरान राहुल ने मोदी पर फिर साधा निशाना, पूछा किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ कर रहे प्रधानमंत्री। फैजाबाद में राहुल के काफिले के दौरान लंबा जाम, 10 मिनट तक फंसा रहा मरीज, ले जा रहा एम्बुलेंस। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली किसान रथ यात्रा, 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने लड़कियों के लिए लॉन्च की स्कूटी स्कीम, खुद भी स्कूटी की सवारी करके बढ़ाया छात्राओं का हौसला। स्कूटी की चाबी बांटते वक्त महबूबा मुफ्ती ने छात्राओं को दी नसीहत, कहा ट्रैफिक नियमों का करना चाहिए पालन। छात्राओं के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की सीएम ने दिया अमन का पैगाम, बोली सिर्फ महिलाएं ला सकती हैं शांति। अमन बहाली के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह फिर करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, लेह जाकर भी लोगों से करेंगे मुलाकात। घाटी में जारी है हिंसक झड़पों का दौर, बारामूला और अनंतनाग में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षाकर्मियों से भिड़े प्रदर्शनकारी। श्रीनगर में अलगाववादियों पर सरकार का शिकंजा, जुमे की नमाज से पहले नहीं करने दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने घाटी में लिया सुरक्षा का जायजा, अमन बहाली के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। कश्मीर के नाम पर करोड़ों रुपए जुटा रहा है लश्कर, आतंकी हाफिज सईद, गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। मिशन पंजाब पर गए केजरीवाल ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, बोले राज्य को नशा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मिले ताकत। मिशन पंजाब के दौरान केजरीवाल का चुनावी वादा, कहा अमृतसर और आनंदपुर साहिब को देंगे पवित्र शहर का दर्जा। अमृतसर जाते वक्त ऑटो से टकराई केजरीवाल की कार, दूसरी कार में सवार होकर रवाना हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विरोध के पोस्टर, केजरीवाल से बचने की दी गई चेतावनी, लिखा दिल्ली वालों को भगाओ। पंजाब दौरे में केजरीवाल को सताया स्टिंग ऑपरेशन का डर, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पेन और मोबाइल जमा कराने के आदेश। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट पहुंचे संजय सिंह और दुर्गेश पाठक, मानहानि का दर्ज कराया केस। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल के गैर हाजिर रहने और सीडी कांड को लेकर प्रदर्शन।
दिल्ली सरकार ने बुलाया एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। एलजी को लेकर केजरीवाल सरकार का केंद्र के खिलाफ आक्रामक रवैया। विशेष सत्र में डिप्टी सीएम ने नजीब जंग पर लगाया अफसरों को डराने का। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका। एलजी नजीब जंग के पास अधिकार होने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। 14 दिनों के लिए जेल भेजे गए दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार। बलात्कार के बाद सीडी बनाने का आरोप। अब उदयपुर में कहीं भी घूम सकेंगे हार्दिक पटेल। उनकी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दी मोहलत। मानेसर लैंड डील में बढ़ी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा की मुश्किल। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दिल्ली में रेड़ी पटरी वालों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने लगाई थी अर्जी। कथित गोरक्षकों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती। छापा नहीं मारने का जारी किया निर्देश। कावेरी विवाद पर कर्नाटक के मांड्या में जबरदस्त प्रदर्शन। हजारों की भीड़ ने सड़क पर की आगजनी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कावेरी विवाद से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग बुलाने की मांग। अब पद्म सम्मानों के लिए आम जनता भी दे सकेगी सुझाव। संस्कृति मंत्रालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव। कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ 105 मीटर लंबा जहाज सारथी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्र को किया समर्पित। सारथी के कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने किया आगाह। बोले, बढ़ गया है समंदर की तरफ खतरा। हर चुनौती के लिए रहना होगा तैयार। जाकिर नाइक के एनजीओ के खिलाफ केंद्र सख्त। सूत्रों के हवाले से खबर। विदेशी चंदा पाने के लिए पहले लेनी होगी एमएचए की मंजूरी। यूपी सरकार का अजीबोगरीब फैसला। समाजवादी छात्र नेताओं की गुंडागर्दी केस में अलीगढ़ के एसएसपी का ट्रांसफर। 31 अगस्त को धर्म समाज कॉलेज में समाजवादी छात्र नेताओं ने की थी बदसलूकी। छात्राओं ने चिट्ठी लिखकर की थी सीएम को शिकायत। उड़ीसा के अंगुल में भीषण सड़क हादसा। पुल से गिरी प्राइवेट बस। 21 की मौत 30 जख्मी। जयपुर में दो पान वेंडरों को करीब 2.5 करोड़ बकाए का नोटिस। कमर्शियल टैक्स विभाग की कार्रवाई। जयपुर में एक मां पर 4 महीने की बेटी की हत्या का आरोप। बेटा नहीं होने की वजह से परेशान थी आरोपी नेहा। नेहा गोयल ने पुलिस के सामने कुबूली बेटी की हत्या की बात। पूछताछ में बताया मर्डर के बाद लाश को एसी कंपार्टमेंट में छिपाकर रखा। पूर्वी दिल्ली में पिता ने बेटे को मारी गोली। घरेलू विवाद में की वारदात को दिया अंजाम। आरोपी फरार। दिल्ली के नजफगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति ने की खुदकुशी। बेटे की मौत को लेकर परेशान थे मां बाप। दिल्ली के कारोबारी के साथ 5-स्टार होटल में ठगी। गर्लफ्रेंड पर लगाया 40 लाख की घड़ी और 1 लाख कैश चोरी का आरोप। पटना में एबीवीपी छात्रों का बवाल। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़। देवास में अंतर्राष्ट्रीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी सतेंद्र डोगरा ने की खुदकुशी। फंदे पर लटक कर दी जान। मुजफ्फरनगर में बंदूक की नोक पर दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में वाटरफॉल में सेल्फी लेते वक्त 80 फीट खाई में गिरा युवक। गांव वालों ने निकाला लेकिन हालत गंभीर। कानपुर में कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज कराने आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली। हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में एक्टर राहुल रॉय के खिलाफ चेक बाउंस का मामला। कारोबारियों ने कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के नांगलोई में बीच सड़क पर धूं धूं कर जला ट्रक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा। 57 ट्रेनी दारोगा को लेकर जा रही बस पलटी। 3 की हालत नाजुक। मुंबई के मलाड में नेवी की परीक्षा के दौरान भगदड़। कई जख्मी। नौसेना ने कहा मामूली गलतफहमी से हुआ हादसा। उज्जैन इंदौर रोड के टोल नाके पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़। पैसे लूट कर फरार। दिल्ली के नरेला में महिला की गला दबाकर हत्या। पति पर मर्डर का आरोप। कल शाम पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में राजकीय छात्रावास पर गुंडों का हमला। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पंजाब के भटिंडा में 2 नामी गैंगस्टरों को पुलिस ने घेरा। 1 की मौत। कई महीनों से थी पुलिस को तलाश। गुजरात के भावनगर में तलवार और लाठी से हमला करके एक शख्स की हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात।
राजस्थान के धौलपुर में तालाब में डूबकर इंजीनियर की मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी में समाजवादी पेंशन योजना से जुड़ी अभिनेत्री विद्या बालन, अखिलेश सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए डाले गए वोट, कल होगा नतीजों का ऐलान। जेएनयू में भी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग, एआईएसए और एसएफआई ने मिलकर लड़ा है चुनाव। खत्म हुआ जेएनयू अध्यक्ष पद पर कन्हैया कुमार का कार्यकाल, फेसबुक पर पोस्ट लिखकर छात्रों को किया धन्यवाद। दिल्ली पुलिस को 5 महिला पीसीआर वैन का तोहफा, पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा ने दिखाई झंडी। भारत लौटना चाहते हैं विजय माल्या, दिल्ली के एक कोर्ट को वकील ने दी जानकारी, कहा पासपोर्ट सस्पेंड होने की वजह से आ रही है रुकावट। आज से शुरू हुआ डिमांड के मुताबिक रेल टिकट की कीमतें वसूलने का ट्रायल, सर्ज प्राइसिंग से रेलवे को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की उम्मीद। भारत के आधार कार्ड का वर्ल्ड बैंक ने माना लोहा, यूआईडीएआई से कहा दूसरे देशों से भी साझा करें अनुभव। काले धन के मुद्दे पर आरबीआई ने सरकार से मिलाया हाथ, आईटी डिक्लेरेशन स्कीम के तहत बकाया टैक्स नकद में लेने के लिए बैंकों को निर्देश। भारत में पहली बार होगा बैंक ट्रांजैक्शन के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, आईसीआईसीआई बैंक ने तैयार किया है रोबोटिक्स। फॉर्च्यून की 51 सबसे ताकतवर महिलाओं में दूसरी बार शुमार हुई इंदिरा नुई, पेप्सिको की सीईओ है नुई। गैस और ऑयल फील्ड्स के रिसर्च पर जोर दे रही है भारत सरकार, निवेशकों को लुभाने के लिए सिंगापुर दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान। सोने की कीमतों में 150 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 31,150 रुपए पहुंचा 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में भी गिरावट, 850 रुपए प्रति किलो गिरकर 46,150 रुपए पहुंची 1 किलो की कीमत। आईपीओ लाने वाली पहली बीमा कंपनी बनेगी आईसीआईसीआई, 19 सितंबर को आएगा 6 साल का सबसे बड़ा आईपीओ, 6,000 करोड़ जुटाने का अनुमान। जापानी कंपनी निसान ने दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरू किया डैटसन गो प्लस का निर्यात, चेन्नई प्लांट से होगा एक्सपोर्ट। ग्रामीण इलाकों की स्वच्छता में हिमाचल के मंडी ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, करीब 248 अंक लुढ़क कर 28,797 पर बंद हुआ सेंसेक्स। बिहार के गया में मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश, चट्टान खिसकने के डर से 300 घरों को खाली करने के निर्देश। राजस्थान के करौली में भैरव बाबा के मेले का आयोजन, कुश्ती के दंगल में कई महिला पहलवानों ने भी आजमाए दांव। उत्तरी कोरिया ने फिर किया न्यूक्लियर वॉरहेड का सफल परीक्षण, दुनिया भर में हड़कंप। परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी, कहा किम जोंग को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद ओबामा ने साउथ कोरिया और जापान से की बात, किम जोंग उन को लेकर रणनीति पर बात। चीन ने भी उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट पर जताई नाराजगी, कहा किम जोंग उन को करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई बैठक, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ तैयार होगी रणनीति। बीजिंग में मनाई गई माओ की 40वीं बरसी, कलाकारों ने अपने तरीके से चीन के सबसे बड़े नेता को दी श्रद्धांजलि। सामने आई सीरिया में बमबारी की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया वीडियो। पुतिन को ओबामा से बेहतर बताने वाले बयान को लेकर ट्रंप पर हिलरी का हमला, कहा रूस के राष्ट्रपति से डरते हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार। न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर तेजाब हमले का शिकार हुई भारतीय मॉडल, डिजाइनर अर्चना कोचर के लिए रेशमा कुरैशी का कैटवॉक। इलाहाबाद की रहने वाली है रेशमा कुरैशी, करीब 2 साल पहले रिश्तेदार ने चेहरे पर फेंका था तेजाब।